बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मोदी सरकार ने कहा राज्य नहीं करवा सकता जातीय जनगणना। जातिगत जनगणना पर बीजेपी के स्टैंड को आरजेडी ने मुद्दा बनाया, लालू यादव ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना, कहा दोनों ये पहले से नहीं चाहते थे। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले जातिगत जनगणना पर बीजेपी पहले पीछे से करती थी वार, अब कोर्ट के जरिए खुलकर सामने आई उसकी मंशा, कहा पूरे देश में बीजेपी कराए जातिगत जनगणना, हमने कब रोका है। इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था, हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। राजस्थान में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बताया भ्रष्ट मंत्री, अर्जुन मेघवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कैलाश मेघवाल के मुकाबले अर्जुन लाल मेघवाल चोर नंबर एक, आगे बढ़िया, एमपी बढ़ गया, दिल्ली में मंत्री बढ़ गया। फ्रांस भारत के बीच 50,000 करोड़ की रफेल डील, ये रफेल जेट भारतीय नेवी इस्तेमाल करेगी। चीन ने फिर जारी किया विवादित मैप, अरुणाचल भूटान को अपने हिस्से में दिखाया। एमपी में बीजेपी निकालेगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं, 3 सितंबर को अमित शाह चित्रकूट में दिखाएंगे हरी झंडी। 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे का एक्शन प्लान, मुंबई की बैठक में झंडे से लेकर रैलियों तक होगी चर्चा, बीएसपी समेत कुछ और दलों से भी संपर्क। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले नाना पटोले का बयान, कहा तानाशाही सरकार के खिलाफ देंगे चले जाओ का नारा। संजय राउत ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अजीत पवार, फडणवीस हैं जिम्मेदार। अजीत पवार ने बताई शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह, कहा हमारे फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। पुणे में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले स्वामी रामदेव, कहा अध्यात्म और वैज्ञानिक ज्ञान के दम पर भारत बनेगा विश्व गुरु। पीलीभीत में वरुण गांधी ने एक बार फिर इशारों में सीधे बीजेपी पर वार किया, कहा भेड़ चाल में ना बहें, अगर कोई आपके बीच आता है भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा बोलकर वोट लेना चाहता है तो भेड़ चाल में ना बहें। वरुण गांधी के बोलते वक्त मंच पर एक साधु का फोन बजा तो वरुण ने इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। फरुखाबाद में मंत्री सुरेश खन्ना की देखी संवेदनशीलता, फरुखाबाद बरेली हाईवे पर जाम में फंसी एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की सूचना मिलने पर जाम खुलवाने खुद गाड़ी से उतरे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने फरुखाबाद आए थे सीएम योगी, इसी सिलसिले में यहां पहुंचे थे मंत्री सुरेश खन्ना, जाम की वजह से वो सीएम योगी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। कर्नाटक के रजनीकुंटे रेलवे स्टेशन से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, ट्रेन की पटरी के बीच लेटी एक महिला के ऊपर से गुजर गई पूरी मालगाड़ी, नहीं लगी कोई भी चोट, वीडियो वायरल हुआ। कोची में ओणम उत्सव पर त्रिकाकारा वामन मूर्ति मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई, मंदिर में उमड़ी भक्तों की कतारें, महाबली असुर के सम्मान में मनाया जाता है ओणम। ओणम के मौके पर कोची के वामन मूर्ति मंदिर में दिखा भव्य नजारा, पूजा अर्चना के दौरान मंदिर परिसर में पूरे साजो श्रृंगार में झूमते नजर आए गजराज। तिरुवनंतपुरम में ओणम पर श्री महागणपति मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब, ओणम पर्व पर बनाई जाती है भगवान गणेश और श्रावण देवता की मूर्ति, भगवान विष्णु और महाबली असुर की पूजा करते हैं भक्त। तिरुवनंतपुरम के पद्माभन स्वामी मंदिर में ओणम उत्सव की धूम, श्रद्धालुओं ने निकाली गेंदे के फूलों से सजी वामन देव की झांकी। डायम में भी ओणम समारोह का आयोजन किया गया, इस मौके पर छात्रों ने स्कूल के चारों ओर गेंदे के सैकड़ों पौधे लगाकर ओणम मनाया। महाराष्ट्र के यवतमाल में रंग बिरंगे लाइट्स और फूलों से सजा केदारेश्वर महादेव मंदिर, दर्शन करने के लिए जुटी शिव भक्तों की भीड़। ओडिशा के केंद्रपाड़ा की 64 साल की कमला मोहराना ने पीएम मोदी को भेजी वेस्ट मटेरियल से बनी राखी, मन की बात में वेस्ट मटेरियल के यूज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कमला मोहराना की प्रशंसा की थी। तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से सजा अमृतसर का बाजार, छोटा भीम मोटू पतलू के कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां बनी बच्चों की पहली पसंद।
मध्य प्रदेश के भिंड में थर्माकोल से तैयार की गई 1000 फीट लंबी राखी, निर्माताओं ने किया सबसे लंबी राखी बनाने के विश्व रिकॉर्ड का दावा। रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की तैयारी बेहद खास, राखियों को सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफों का इंतजाम किया गया। रोजगार से राजकोट की महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, क्रोशिया वर्क से जुड़ी करीब 500 महिलाएं, इन प्रोडक्ट्स को 50 देशों में निर्यात किया जाता है। खाने पीने के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ, 36 राज्यों के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे लोग। घाटी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा डोर टू डोर कैंपेन, राजौरी के पीर पंजाल में बच्चों को बांटी गई खिताब कॉपियां, लड़कियों की शिक्षा पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। सीएम शिवराज ने प्रदेश को दी स्वास्थ्य की बड़ी सौगात, भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में 727 करोड़ के 2000 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत विद्यालयों के लिए 2,30,00,000 रूपये ट्रांसफर किए, बोले सीएम शिवराज, संस्कृत का उत्थान राष्ट्र और भारतीय संस्कृति का उत्थान। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट से पहले भव्य तैयारी, G20 के जगह जगह होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर्स लगाए गए, भव्य लाइटिंग भी की गई। सोनभद्र में दिव्यांग कांवड़ियों के लिए श्रवण कुमार बना पुलिसकर्मी, दिव्यांग कांवड़िये के पैर लड़खड़ाए तो पुलिसकर्मी ने कंधों पर उठाकर पहुंचाया शिवद्वार घोरवल मंदिर। पुणे में आयोजित एजुकेशन मेले में अमेरिका समेत 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल हुए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों को सीएम जगनमोहन रेड्डी की बड़ी सौगात, 2023 की दूसरी तिमाही के लिए जगन्ना विद्यालय विद्या दिवेना को जारी किए 680 करोड़ 44 लाख, 9,32,000 से ज्यादा छात्रों को लाभ। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने सुनी 500 से अधिक लोगों की समस्याएं, मरीजों के इलाज के लिए दिया आर्थिक मदद का आश्वासन। गांधीनगर में G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी मीटिंग संपन्न, मुख्य विज्ञान सलाहकारों ने स्वास्थ्य पर दस्तावेज को स्वीकार किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के छावला बीएसएफ कैंप में सीएपीएफ के चयनित उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम को भी संबोधित किया। श्रीनगर में आयोजित की गई खेलो इंडिया महिला पेनक्सल्ट लीग 2023, भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की बड़ी पहल, ऑपरेशन सद्भावना के तहत युवाओं को कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही। धर्मशाला पहुंचने पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बौद्ध भिक्षुओं ने जोरदार स्वागत किया, बौद्ध समुदाय ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेशनल स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव इडेन बेयर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राजीलियाई सेना के जनरल टॉमस मिगुएल माइल रिबेरो पाइवा ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत के दौरे पर हैं ब्राजील के सेना प्रमुख। नागपुर में आयोजित रोजगार मेले पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले, लोगों को संबोधित किया। बतौर मुख्य सलाहकार के रूप में मिड विकेट स्टोरीज से जुड़े पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर मुंबई में आयोजित मिड विकेट स्टोरीज कार्यक्रम में शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम में जोर शोर से हो रहा ओणम का सेलिब्रेशन, झालरों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा शहर। कोची में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा ओणम का जश्न, ओपन एयर थिएटर के थोला पावा कुथुम का प्रदर्शन किया गया। अरुणाचल में ग्यामार पदंग को याद किया गया, आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक निकाला गया कैंडल मार्च। ओडिशा में सूर्य मंदिर के गर्भगृह से रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, अब मंदिर के उत्तर और पश्चिमी कोनों पर लोहे के बीम स्थापित किए जाएंगे। अमरोहा में जूनियर आर्ट्स ने किया कमाल, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का चारकोल से बनाया पोर्ट्रेट। श्रीनगर में मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का ने कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और आर्ट को देखा, कश्मीर की संस्कृति से रूबरू हुई मिस वर्ल्ड। बिलावस्का ने डल झील में शिकारा बोट पर सवारी की, मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी और मिस वर्ल्ड कैरेबियन एमपी पेना ने भी शिकारे से सैर का आनंद लिया। श्रीनगर में झेलर रिवर पॉइंट की मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने सैर की, साथियों संग तस्वीरें भी खिंचवाई।
श्रीनगर में मिस वर्ल्ड समेत अन्य लोगों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। उपराज्यपाल से सभी की बातचीत हुई। नागपुर में चलती मेट्रो में हुआ फैशन शो, बच्चों से लेकर बड़े कैटवॉक करते हुए नजर आए। ग्रेटर कैलाश में बने G20 थीम पार्क का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया निरीक्षण। मंत्री ने तमाम तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। दिल्ली में G20 के आयोजन के मेहमानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाई गई राजधानी, चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों से दिखा दिल खुश कर देने वाला नजारा। पटियाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेनोवेटेड गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, जिम में कसरत करते दिखे अनुराग ठाकुर। इंदौर की सुंदर वादियों को निहारने के लिए चलाई गई हेरिटेज ट्रेन के रूट में बदलाव हुआ, कालाकुंड से पातालपानी के बीच चलेगी ट्रेन। विष्णुपुर में थर्ड जेंडर समुदाय का मानवीय चेहरा सामने आया, मणिपुर हिंसा में विस्थापित हुए बच्चों की मदद कर रहे। भोपाल में राखी संघ पति कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएम को राखी बांधी। जोधपुर में अपनी बहन से सीएम अशोक गहलोत ने राखी बंधवाई, भाई बहन के बीच दिखा प्यार का भावुक रिश्ता। रुद्रपुर में बनने वाली राखियों को लेकर देश से लेकर विदेशों तक मांग बढ़ी, महिलाओं को मिल रहा राखी बनाने से बंपर रोजगार। बठिंडा में 5 साल के गीतांश 1:30:50 में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे सम्मानित। इंदौर की 2 साल 10 महीने की दिविशा राठी ने 3:33 में हनुमान चालीसा का पाठ किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। शिमला में बारिश और बाढ़ के बाद हालात हो रहे सामान्य, पहाड़ों पर सैर सपाटे करने लगे हैं पर्यटक। मधेपुरा में बाढ़ से लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई, सैकड़ों लोग बेघर हुए। गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसा बारिश का पानी, मरीज व परिजनों को हो रही समस्या। फर्रुखाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए।